हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जो है सोमवती मावस्या की, हरियाली मावस्या और कर्क संक्रांति की मंगल बधाई हो। तो आज एक महासंगम पर्व था, तो होप सो कि आपने जो खूब इसमें ठाकुर जी की भक्ति करी हुई, खूब नाम जाप किया, खूब पुण्य कमाया होगा। चलिए आपके साथ दर्शन शेयर करते हैं। तो देखिए ठाकुर जी कृपा से जो है हमारे यहाँ भी हमने तुलसी महारानी और शालिग्राम भगवान की परिक्रमा की, क्योंकि सोमवती मावस्या पर भगवान की प्रदक्षिणा का, उनके पूजन का, उनके नाम जाप का और जितना भी सत्कर्म हो सके ठाकुर जी से रिलेटेड वो सब करना चाहिए, जिससे कि महापर्व हमें महाफलकारी होता है ये सब चीज़ें करना। तो बस ठाकुर जी कृपा हुई तो हमने सोचा कि आपके साथ दर्शन शेयर किए जाए, क्योंकि कल की वीडियो आपको बड़ी ही अच्छी लगी थी, तो सोचा आपके साथ फिर से एक जो है वीडियो शेयर की जाए ठाकुर जी के दर्शनों की। आज जो है श्रावण का सोमवार भी है, तो जो हमने ठाकुर जी को भोग में फलाहार लिया था, क्योंकि फलाहार से जो हमने श्रावण के व्रत किए हैं सोमवार के, सोचा आपके साथ ठाकुर जी के प्रसाद का, भोग का दर्शन भी शेयर किया जाए। तो बस ये ठाकुर जी को भोग लग चुका है अब, तो ये मतलब प्रसाद हो चुका है। आप जो है इसको मानसिक रूप से ठाकुर जी का प्रसाद ले लीजिए। तो चलिए आप एक बार दर्शन कर लीजिए अच्छे से। तो देखिए शालिग्राम भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं, तुलसी महारानी। तो ये ठाकुर जी कृपा ही कहेंगे कि यहाँ पर भी मैं तुलसी महारानी उपलब्ध हुई हूँ। ठाकुर जी ने अपनी कृपा से जो है नियम को हमारा पूरा करा दिया सोमवती मावस्या के। तो वैसे नहीं अगर होती तो भाई, वैसे हमारे पास एक मानसिक रूप से जो है ये चांदी की तुलसी महारानी है, इनकी भी प्रदक्षिणा कर लेते थे बाई चांस। पर देखिए ठाकुर जी कृपा तो फिर क्या ही ना, ठाकुर जी की कृपा तो एक चीज़ ही अलग है। जब हम ठाकुर जी को पूर्ण समर्पित होते हैं तो ठाकुर जी की जो कृपा होती है उसका एक अनुभव अलग ही होता है। साथ ही महादेव बाबा के दर्शन कर लीजिए आप, ये हमारे भोलेनाथ हैं, नर्मदेश्वर महादेव हैं ये। तो बस दर्शन कर लिया आपने। चलिए एक सवाल पर चर्चा करते हैं, क्योंकि एक सवाल जो है बड़ी ही सुंदर ढंग से पूछा गया था, तो हमें बड़ा पसंद आया था इनका पूछने का तरीका भी। चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये सवाल है अमित मेहरा जी का, आपसे एक जिज्ञासा केंद्रित प्रश्न पूछना है, कृपया एक जन साधारण मनुष्य के नजरिए से इसका जवाब दीजिएगा। यह तो हम सबको पता है कि सहस्त्र नाम का मतलब होता है प्रभु के 1000 पवित्र नाम। तो जी बिल्कुल सही कहा आपने, परंतु हम यह कैसे पता करें कि नीचे दिए हुए निम्न सहस्त्र नामों में से कौन सा सहस्त्र नाम पढ़ना उत्तम रहेगा? क्या इनमें भी कोई सहस्त्र नाम को शुरू करने से पहले कोई जन्म कुंडली आदि की जरूरत पड़ती है? तो जी नहीं है, ऐसा नहीं है। जो कहते हैं ना, जिस भगवान के प्रति आपकी निष्ठा हो, आपकी आस्था हो, जो आपके इष्ट हो, आप किसी सहस्त्र नाम को जो है नित्य में कर सकते हैं। इसके लिए कोई कुंडली वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है भाई, ये तो भगवान की भक्ति के लिए। तो सोचिए ना, हमें कोई ऐसी चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है, बस आपके मन में श्रद्धा होना चाहिए, भाव होनी चाहिए कि हमको इससे कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि हमारी प्रीति जैसे ठाकुर जी में है, तो हम भगवान को विष्णु सहस्त्र नाम नित्य करके सुना सकते हैं। और उसके बाद आपने लिखा है, जैसे कि वर्तमान में श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, तो क्या कोई जातक शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकता है? और क्या शिव सहस्त्र नाम में भी कुछ नियम कानून कायदे होते हैं? आपका क्या मत है? तो जी बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि श्रावण का महीना चल रहा है, तो आप जो है इसमें शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। बहुत उत्तम होगा अगर आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। इसके कोई कानून कायदे तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। कानून में बस ये होता है कि पवित्र होके निर्मल मन से जो है भगवान का जो है शुद्ध मन अपना जो है भाव रखिए उस चीज़ के प्रति जिस जो चीज़ आप कर रहे हैं, और सात्विक भोजन लीजिए और जो है पवित्र अवस्था में जो है मतलब बैठिए, नहा धो के भगवान के स्नान ध्यान आदि करने के बाद जो है भगवान के जो दीपक जलाइए, उसके बाद जो है भगवान का सहस्त्र नाम पढ़िए, पूजा हो जाए तो उसके बाद क्षमा प्रार्थना करिए भगवान से कि अगर उच्चारण आदि में किसी चीज़ में भी कोई गलती हो गई तो भगवान क्षमा करें। तो बस इस प्रकार से जो आप कोई भी सहस्त्र नाम कर सकते हैं। फिर आपने कहा है, एक जन साधारण मनुष्य जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कब, क्यों और किन विशेष परिस्थितियों में सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए, और इन सहस्त्र नामों को पढ़ते हुए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानियां तो यही है कि आप सात्विक भोजन लीजिए, मन में किसी के प्रति गलत मत सोचिए। कहने का तात्पर्य है कि शुद्ध भाव रखिए, अंदर भीतरी शुद्धि भी रखिए और बाहरी शुद्धि भी रखिए, तो इन चीज़ों को करते हुए। और किन विशेष परिस्थितियों में, तो भगवान मुझे तो नहीं लगता कि भगवान की सेवा आदि मतलब कोई भी अगर हम कुछ भी चीज़ करते हैं भक्ति से रिलेटेड, तो इन चीज़ों के लिए कोई विशेष परिस्थिति जरूरी थोड़ी है कि हम भगवान को दुख में ही सुमिरन करें। अरे सुख में भी तो करिए, बहुत ही आनंद आएगा, एक बार करके देखिए आप, और है ना, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कृपया उचित मार्गदर्शन करिए। तो जो ठाकुर जी कृपा से हमें प्रेरणा लगी वही हमने आपको बताया कि आप कोई भी सहस्त्र नाम, जैसे कि देखिए अगर आप दीक्षित हैं तो जैसे कि अगर आपके जो इष्ट हैं वो भगवान विष्णु हैं, मतलब लक्ष्मी नारायण हो या फिर राधा कृष्ण सीताराम जी हो, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम करिए। अगर आप गणपति जी आपके इष्ट हैं तो आप गणेश जी के कर सकते हैं, दुर्गा माँ है तो दुर्गा जी का, शिव जी का है तो शिव जी का, नहीं तो जैसे कि अगर आपको सारे सहस्त्र नाम पढ़ने हैं तो फिर आप जो है श्रावण में शिव जी का और जो है नवरात्रों में दुर्गा जी का,
गणेश जी का जो है गणेश जी के दिनों में, और विष्णु भगवान का एकादशी, पूर्णिमा, कार्तिक आदि चतुर्मास में, तो ये सब आप कर सकते हैं। वैसे देखिए ये सब कहते हैं ना कि अगर आप गुरु दीक्षा दें तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती इन सब चीज़ों की, क्योंकि गुरु जी जो होते हैं हमारे मार्गदर्शन करते हैं कि हमको कैसे अपने भक्ति करनी है, किस मतलब जैसे जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं तो वो सब जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो हमारे सब जो है प्रश्न हैं बड़ी ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाना चाहिए। तो वैसे अगर आप किसी एक को भी पकड़ लेते हैं ना, पूरे नित्य करते हैं साल भर भी, तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भगवान का रूप एक ही है सब। बस कहते हैं ना कि क्यों कोई एक इंसान है, देखिए उसको कोई मामा भी कहता है, कोई मौसा भी कहता है, कोई भाई भी कहता है, कोई पिता भी कहता है, पर है वो इंसान एक ही। इसी प्रकार सब भगवान एक ही है, बस ना उनके नाम अलग अलग है, शिव, दुर्गा, गणेश, विष्णु है, सब एक ही। उसमें आप कोई भेद मत समझिए, और जो आपको प्रश्न, जो आपको चीज़ अच्छी लगे, जो भगवान के प्रति आपकी निष्ठा हो, आप उन भगवान का जो है श्रेष्ठ नाम करें। तो आशा है आपको अमित मेहरा जी आपको समझ में आया होगा। और चलिए तो आपका ये प्रश्न हो गया है। अब एक प्रश्न और आया था सीमू गुप्ता जी का कि भैया ये चावल, ये समा का राइस खा सकते हैं क्या एकादशी में? तो जी एकादशी जो है समा का, इसको रावल चावल बोलते हैं समा का, पर ये इसको राइस नहीं होता है, ये उसको आपने देखा गुजरात से इसको मुरैयो बोलते हैं, समा का चावल बोलते हैं, मोरधन बोलते हैं, तो ये नाम है, चावल नहीं होता। हालांकि तो आपका जो प्रश्न है एकादशी में इसको खा सकते हैं, 100% खा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो और ठीक है ना, समझ में आया होगा आपको। एक प्रश्न और इनका देखिए, एकादशी पर नमक समक का चावल नहीं खाते? अरे भाई यही चर्चा हो चुकी है कि एकादशी पर समक का चावल खा लेते हैं। अगर आपको नहीं खाना है तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर एकादशी में खा लेते हैं। एक प्रश्न और आया था कि एकादशी में नमक नहीं खाते हैं, तो हमने आपको इस वीडियो में भी क्लियर किया था कि एकादशी पर जो है सेंधा नमक आदि ले सकते हैं, क्योंकि देखिए हर इंसान अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखता है। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप पूरे दिन निर्जल होकर व्रत करें तो ये अति उत्तम बात है, आप उस हिसाब से व्रत करिए। अगर मेरी सामर्थ्य है कि मैं भगवान को भोग लगा के एक समय जो है फलाहार पाऊंगा, तो वो मेरे शरीर के सामर्थ्य के अनुसार है ना, तो नमक ले लेते हैं, सेंधा नमक जो है व्रत में ले लेते हैं, पर अपने अपने संकल्प के अनुसार होता है कि आपको व्रत में सेंधा नमक आदि लेना है कि नहीं लेना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट इसी वीडियो में आपके साथ जो है सवालों पर चर्चा होगी। आशा है आपको जो सवाल के जवाब दिए हैं वो समझ में आए होंगे, और अगर आपके मन में फिर भी कोई शंका बची है तो निसंकोच होकर आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके भी हमसे डायरेक्ट DM के थ्रू बात कर सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नई वीडियो से, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे श्री राधा रमन लाल कीजिए। और हाँ, आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं डेली वाली ज़रूर बताइएगा, कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। जय जय श्री राधे।